हेलो एंड वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है या फिर कैसे डिजाइन करना है उसके बारे में देखा था। ठीक है, हमने सीखा था कि हम न्यू सेक्शन में जाके टेम्पलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद उसे कैसे डिजाइन करते हैं एंड उसके बाद उस टेम्पलेट को हर एक पेजेस में यूज कैसे करते हैं। ठीक है, हमने जो एक टेम्पलेट बनाया था उसे हमने हर एक पेजेस में यूज किया था एंड उसके बाद हमने एक टेम्पलेट का स्टाइल भी बनाया था जिसमें हमारे सारे टेम्पलेट स्टोर होते थे। ठीक है, उसके बाद हमने टेम्पलेट में एडिट किया था एंड उस एडिट को हर एक पेजेस में कैसे इफेक्ट में लाना है उसके लिए भी हमने एक ऑप्शन देखा था टूल्स में, अपडेट पेजेस इन एक्टिव एंड इंक्लूडेड प्रोजेक्ट्स वाला। ठीक है, उसके बाद हमने टेम्पलेट में क्या किया था, हमने बटन एड किए थे जिस बटन की हेल्प से हम एक या फिर दूसरे पेजेस में ट्रांसफर हो सकते थे। ठीक है, अभी अगर रन टाइम में हमारा पेज वन है एंड हमें अगर पेज टू में जाना है तो फिर वो बटन का यूज करके हम पेज टू में ट्रांसफर कर सकते थे। ठीक है, उसके लिए हमने पेज गो टू वाला फंक्शन यूज किया था। ठीक है, सो इस तरह से हमने एक पेज से दूसरे पेज में कैसे ट्रांसफर होना है उसके बारे में प्रीवियस वीडियो में देखा था, टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है एंड उसे कैसे अटैच करना है हमारे पेजेस में उसके बारे में देखा था। ठीक है, अब हम इस वीडियो में Citex Scala में सिक्योरिटी को कैसे ऐड करना है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक Citex Studio ओपन करना है, उसके बाद हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, सो हमारा Citex Studio यहाँ पे ओपन हो गया, उसके बाद ऐड में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट एंड हमारे प्रोजेक्ट का नेम टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को हमें एक्टिव कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ग्राफिक्स बिल्डर में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक नया पेज क्रिएट करते हैं, उसका रिजोल्यूशन हमारा HD 1080 एंड हमारा ब्लैंक पेज। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, लॉगिन का बटन। ठीक है, सो यहाँ पे लॉगिन बटन, उसका स्टाइल बोल्ड एंड जो फॉन्ट साइज है वो 26 रखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी बटन को कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आएगा हमारा लॉग आउट का बटन। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा यूजर करंटली लॉग इन है उसका यूजर नेम या फिर उसका नेम यहाँ पे शो होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे यूजर इन्फो वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में जाना है, उसके बाद यूजर इन्फो, उसके बाद आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, सो इसे आपको कॉपी करना है, उसके बाद हेल्प में जाना है। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ फॉर्मेट है, आपको यूजर इन्फो में किस तरह टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपको टाइप सिलेक्ट करना है, किस टाइप का इंफॉर्मेशन आपको वहां पे प्रिंट करना है। ठीक है, अगर आपने टाइप में वन लिखा, ठीक है, तो आपको क्या स्क्रीन पे शो होगा, द लॉग इन नेम ऑफ द यूजर। ठीक है, अगर आपने टू लिखा ब्रैकेट में तो क्या आपको क्या शो होगा स्क्रीन पे, द फुल नेम ऑफ द यूजर। ठीक है, अगर आपने थ्री लिखा तो आपको स्क्रीन पे क्या शो होगा, द टाइम द यूजर लॉग इन, मतलब कि किस टाइम पे उस यूजर ने लॉग इन किया है। ठीक है, वो टाइम आपको यहाँ पे शो होगा, लेकिन हमें अभी क्या चाहिए, हमें जो यूजर है उसका लॉग इन नेम चाहिए। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में वन यूज कर लेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट में वन। ठीक है, उसके बाद उसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा चेंज कर लेंगे, सो फॉन्ट साइज 26, स्टाइल बोल्ड एंड देन ओके। उसके बाद इन तीनों को हम अलाइन कर देंगे सेंटर इवन। ठीक है, सो हमने यहाँ पे लॉग इन एंड लॉग आउट करके दो बटन क्रिएट किए हैं। ठीक है, लेकिन उसमें हमने अभी कोई फंक्शन नहीं दिया है, सो लॉग इन पे हम डबल क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो में इंसर्ट फंक्शन, उसके बाद यहाँ पे हम सर्च करते हैं लॉग इन, उसके बाद यहाँ पे हमें मिलेगा लॉग इन फॉर्म। ठीक है, सो यहाँ पे ओके पे प्रेस करना है, उसके बाद जो इसके इंटरनल पैरामीटर है उसे रिमूव कर देना है। ठीक है, एंड देन ओके पे प्रेस करना है। ठीक है, इट मींस जब भी मेरा Scala रन होगा एंड मैं लॉग इन बटन पे प्रेस करूंगा मुझे एक पॉपअप विंडो दिखेगा जिसमें मैं यूजर आई डी एंटर करूंगा, पासवर्ड एंटर करूंगा एंड देन जैसे ही ओके प्रेस करूंगा मैं उस यूजर से लॉग इन कर पाऊंगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज किया है, लॉग इन फॉर्म। ठीक है, उसके बाद सेम फंक्शन हम लॉगआउट में यूज करेंगे, सो जब भी मैंने लॉगआउट वाला बटन प्रेस किया मेरा सिस्टम में जो भी यूजर का लॉग इन है वो लॉगआउट हो जाना चाहिए।
ठीक है। सो यहाँ पे आपका फंक्शन होगा लॉग आउट, ठीक है। सो इस फंक्शन को आपको यूज करना है एंड देन ओके पे प्रेस करके इस पेज को सेव करना है, ठीक है। सो पेज अंडरस्कोर वन, उसके बाद ओके। सो अभी हमने क्या किया, जिस यूजर पे हमारा लॉग इन होगा उस यूजर का नेम हमें यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। एंड उसमें हमने फंक्शन क्या लिया है, यूजर इन्फो ब्रैकेट में वन, एंड जो ब्रैकेट में वन लिखा है उसका मीनिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हमें क्या यहाँ पे शो होगा, द लॉगिन नेम ऑफ द यूजर, ठीक है। उसके बाद हमने लॉगिन वाला एक बटन लिया है जो क्या करेगा, एक फॉर्म हमें स्क्रीन पे देगा जिसमें मुझे यूजर आईडी एंटर करना होगा, पासवर्ड एंटर करना होगा, एंड देन जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा उस यूजर से मेरे सिस्टम में लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। एंड मुझे अगर लॉग आउट करना है सो मैं ये वाला बटन प्रेस करूंगा। सो जैसे ही मैंने इस वाले बटन को प्रेस किया मेरा जो एग्जिस्टिंग यूजर लॉग इन है वो लॉग आउट कर जाएगा, ठीक है। सो अभी हमने इस पेज को सेव करना है, लेकिन हमने यहाँ पे ये सारी चीज तो कर दी लेकिन हमारे पास अभी यूजर ही नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, सो उसे क्रिएट करने के लिए आपको साइटेक स्टूडियो में जाना है, उसके बाद मेनू में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सिक्योरिटी, ठीक है, वहां पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है, रोल एंड यूजर, ठीक है। अभी आप देखिए हमारे पास कोई भी यूजर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एंड रोल, रोल में हमारे पास एक रोल अवेलेबल है जो कि है एडमिनिस्ट्रेटर का रोल, ठीक है, एंड जिसके पास सारे प्रिविलेजेस है, ठीक है। सो 1.8 ये उसका फॉर्मेट है प्रिविलेजेस देने का, ठीक है। प्रिविलेजेस यानी कि लेवल ऑफ एक्सेस, आप उसे किस लेवल तक एक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम लेवल 1 है, मैक्सिमम लेवल 8 है। सो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर रोल है उसके पास सभी लेवल का एक्सेस है फ्रॉम 1 to 8, ठीक है। अभी आपने कोई एक रोल क्रिएट किया रोल 1 करके, उसके उसे आपको सिर्फ लेवल 1 का ही एक्सेस देना है। सो आप यहाँ पे 1 टाइप कर दोगे, ठीक है। जो हमारा रोल 1 वाला जो यूजर होगा वो जब भी लॉग इन करेगा उसे सिर्फ लेवल 1 का जो एरिया होगा उसी को एक्सेस करने मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक बटन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बटन ले लिया, उसके बाद इसका स्टाइल बोल्ड कर दिया एंड जो साइज है वो 26 कर दिया। उसके बाद जिसके पास लेवल 1 का एक्सेस होगा वही इस बटन को एक्सेस कर पाना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ओके पे प्रेस करना है। उससे पहले एक्सेस में मुझे यहाँ पे प्रिविलेज लेवल सेट करना है कि मुझे किस लेवल का एक्सेस इस बटन को देना है, ठीक है। सो मैंने लेवल 1 का एक्सेस दे दिया, यानी कि ये जो मेरा रोल 1 का कोई यूजर होगा वो इसे एक्सेस कर पाएगा एज वेल एज जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी इसे एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने प्रिविलेज लेवल कौन सा दिया है 1, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने अपीयरेंस सेट कर दिया। तो मेरे जिस यूजर के पास लेवल 1 का एक्सेस होगा वही इस बटन को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। एंड मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे एक सिंबल दे दिया, ठीक है, उसमें हमने एलईडी लाइट लगा दी, ठीक है, लार्ज वाली। सो यहाँ पे रेड एंड यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। उसके बाद ओके पे प्रेस कर दिया, इन दोनों को अलाइन कर दिया, ठीक है। सो इट मींस जिस यूजर के पास लेवल 1 का एक्सेस होगा वही यूजर इस वाली एलईडी को ऑन कर पाएगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लोकल वेरिएबल भी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक नया रोल क्रिएट करते हैं, रोल अंडरस्कोर 2, जिनके पास 1 से लेके 3 लेवल तक का एक्सेस है, ठीक है। सो अगर आपने कहीं पे जो एक्सेस लेवल है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सेस लेवल दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सेस प्रिविलेज लेवल दिया 1, अगर किसी के पास प्रिविलेज लेवल 2 होगा, ठीक है, तो वो बटन भी रोल 2 वाला जो यूजर होगा उसे एक्सेस कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास प्रिविलेज लेवल कितना है, 1, 2 and 3, ठीक है। उसके बाद कोई हमारा एक नया रोल है, ठीक है, रोल 3, उसका जो प्रिविलेज लेवल एक्सेस है वो है 1.5, ठीक है। सो 1 से लेके 5 तक जितने भी लेवल है उन सभी को वो एक्सेस कर पाएगा। उसके बाद है रोल नंबर 4 एंड उसका एक्सेस है 1.7, ठीक है। सो 1.7 मींस वो रोल 1, 2 and 3 उन सभी का जो बटन है उसे वो एक्सेस कर पाएगा, ठीक है।
उसके बाद इसे सेव करना है, उसके बाद हर एक जगह पे यहाँ पे फॉल्स लिख देना है, ठीक है। अलो आरपीसी एंड अलो एग्जीक्यूशन में आपको फॉल्स टाइप करना है, मैनेज यूजर में भी आपको फॉल्स पेस्ट कर देना है, उसके बाद इसे सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे यूजर क्रिएट करना है। सो यहाँ पे मैं यूजर में गया, ठीक है, मेरे यूजर का नेम, सो सबसे पहले होगा मेरा मैनेजर, ठीक है, उसके बाद इंजीनियर, उसके बाद सुपरवाइजर, उसके बाद ऑपरेटर, ठीक है, एंड उसका जो फुल नेम होगा मैनेजर इंजीनियर सुपरवाइजर ऑपरेटर, ठीक है। उन सभी के पासवर्ड मैंने सेम रखा है, 1234 एंड 1234, ठीक है। इंजीनियर का इंजीनियर है उसका भी पासवर्ड 1234 एंड 1234, ठीक है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो पासवर्ड टाइप करते टाइम पे। सो अगेन 1234 1234, ठीक है, अगेन यहाँ पे 1234 1234, ठीक है, ओके, एंड उसके बाद इसे सेव करना है। उसके बाद हमें इन सभी यूजर्स के रोल को डिफाइन करना है, ठीक है। जो मेरा मैनेजर है उसका रोल क्या होगा, रोल नंबर 4, ठीक है। रोल नंबर 4 के पास कितने प्रिविलेजेस अवेलेबल है वो एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 to 7, ठीक है, यानी कि जो भी ऑपरेटर होगा वो जो चीज को एक्सेस कर पाएगा उसे हमारा मैनेजर भी एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के पास कितने एक्सेस लेवल तक हमें देना है, तो रोल नंबर 3, ठीक है। सो रोल 3, अब रोल 3 क्या है, ठीक है, रोल 3 के पास कितने प्रिविलेजेस अवेलेबल है, सो 1 से लेके 5 तक, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इंजीनियर है, सॉरी यहाँ पे हमने इंजीनियर को रोल 3 दिया है, ठीक है। सो वो सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर इन दोनों का जो एक्सेस है उसे भी एक्सेस कर सकता है, प्लस उसके पास एडिशनल एक्सेस भी होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा मैनेजर है, जो मैनेजर के पास इंजीनियर जो भी एक्सेस कर पाएगा वो तो मैनेजर एक्सेस कर ही पाएगा, सुपरवाइजर जो एक्सेस कर पाएगा वो भी मैनेजर एक्सेस कर पाएगा, एंड जो चीज ऑपरेटर एक्सेस कर पाएगा उसे भी मैनेजर एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा रोल नंबर 2 एंड यहाँ पे आएगा रोल नंबर 1, ठीक है। उसके बाद इसे सेव कर देना है। सो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि रोल जो है रोल वो क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने रोल अंडरस्कोर 1 लिखा है एंड उसके बाद यहाँ पे उसका प्रिविलेजेस एरिया, ठीक है, प्रिविलेजेस मतलब कि लेवल ऑफ एक्सेस, उसका लेवल ऑफ एक्सेस कितना है 1, एंड जो रोल नंबर 2 है उसका लेवल ऑफ एक्सेस कितना है फ्रॉम 1 to 3, एंड जो रोल नंबर 3 है उसका लेवल ऑफ एक्सेस कितना है फ्रॉम 1 to 5, एंड जो रोल नंबर 4 है उसका लेवल ऑफ एक्सेस कितना है फ्रॉम 1 to 7, एंड जो हमारा फाइनल यूजर है एडमिनिस्ट्रेटर उसका लेवल ऑफ एक्सेस कितना है 1 to 8, यानी कि वो प्लांट की हर एक चीज को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जो रोल नंबर 4 है वो सिर्फ 1 से लेके 7 तक के प्रिविलेजेस एरिया से उसे ही एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एक नया यूजर बना देते हैं MD, ठीक है, MD, उसका भी पासवर्ड हमने फॉर सिंप्लिसिटी 1234 सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ओके, एंड उसका जो रोल होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। सो हमारा जो ऑपरेटर है उसका रोल क्या है, 1, यानी कि वो लेवल 1 तक का ही एक्सेस उसे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा सुपरवाइजर, तो उसका रोल क्या है, 2, सो रोल 2 में क्या है, 1 से लेके 3 तक का एक्सेस, ठीक है, लेवल 1 से लेके लेवल 3 तक का एक्सेस। उसके बाद है रोल 3, रोल 3 यानी कि इंजीनियर, तो उसके पास लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक का एक्सेस। उसके बाद है हमारा मैनेजर, सो मैनेजर के पास है हमारा लेवल 1 से लेके लेवल 7 तक का एक्सेस, एंड जो हमारा MD है उसके पास है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, यानी कि उसके पास लेवल 1 से लेके लेवल 8 तक का एक्सेस अवेलेबल है, ठीक है। सो जैसा कि हमने यहाँ पे ग्राफिक्स में देखा, ठीक है, हमने यहाँ पे प्रिविलेजेस लेवल सेट किया था इस बटन पे, ठीक है, ये जो लेवल 1 वाला बटन है उसमें हमने प्रिविलेज लेवल सेट किया था 1, ठीक है। तो प्रिविलेज लेवल 1 है तो वो कौन सा यूजर एक्सेस कर पाएगा, ऑपरेटर, हाँ बाकी सारे यूजर भी उसे एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन प्रिविलेज लेवल 1 है तो वो स्पेसिफिकली किस यूजर के लिए है, ऑपरेटर के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे और 2-3 बटन्स बना लिए, सपोज इसे कॉपी किया पेस्ट किया,
ठीक है, यहाँ पे हमारा लेवल टू, लेवल थ्री रखते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा लेवल फाइव, उसके बाद लेवल सेवन, एंड उसके बाद लेवल एट, यानी कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, ठीक है, लेवल एट, ठीक है। सो ये वाला जो बटन है वो सिर्फ ऑपरेटर एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। ऑपरेटर ये वाले जो बटन है लेवल थ्री फाइव सेवन एंड एट वाले बटन, उसे एक्सेस नहीं कर पाना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो बटन है उसका प्रिविलेज हमें सेट करना होगा लेवल थ्री पे, ठीक है। उसके बाद ये जो लेवल फाइव वाला बटन है उसका भी हमें प्रिविलेज सेट करना होगा लेवल फाइव तक, ठीक है, लेवल फाइव तक। तो ये वाला जो बटन है वो इंजीनियर एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद जो लेवल सेवन है उसका भी प्रिविलेज हमें सेट करना होगा, सो यहाँ पे सेवन एंड देन ओके, एंड यहाँ पे लेवल एट है तो उसका भी प्रिविलेज हमें सेट करना होगा लेवल एट तक, ठीक है। सो अभी हम इसे अलाइन कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, उसके बाद इसे भी अलाइन कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। सो ये जो लेवल एट वाला बटन है उसे कौन एक्सेस कर पाएगा, हमारा एमडी, ठीक है, उसके अलावा इस बटन को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेवल सेवन जो है उसे कौन कौन एक्सेस कर पाएगा, लेवल सेवन को सिर्फ मैनेजर एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। इंजीनियर वो एक्सेस, इंजीनियर के पास लेवल सेवन वाला जो बटन है उसे एक्सेस करने का परमिशन नहीं होगा, ठीक है। ये जो लेवल सेवन वाला बटन है उसे हमारा एमडी एक्सेस कर सकता है एज वेल एज हमारा मैनेजर, ठीक है, ये दोनों इसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है लेवल फाइव, तो लेवल फाइव वाला बटन कौन एक्सेस कर सकता है, हमारा इंजीनियर, हमारा मैनेजर एंड हमारा एमडी, ठीक है। एंड जो लेवल थ्री है उसे कौन एक्सेस कर सकता है, हमारा सुपरवाइजर, हमारा इंजीनियर, हमारा मैनेजर एंड हमारा एमडी। एंड ये जो लेवल वन है उसे उसके ऊपर के सभी लेवल वाले जो रोल है वो सारे इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 इंटरनल वेरिएबल को क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे सिस्टम मॉडल में गए, वेरिएबल में गए, ठीक है, उसमें लोकल वेरिएबल, ठीक है। सो लेवल वन, लेवल थ्री, लेवल फाइव, लेवल सेवन एंड लेवल एट, ठीक है, इन सभी का डेटा टाइप रहेगा डिजिटल, ठीक है, बिकॉज हमें सिर्फ बटन को ऑन ऑफ प्रॉपर्टी देनी है, ठीक है, हमें सिर्फ बटन को टॉगल प्रॉपर्टी असाइन करनी है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने डिजिटल किया, इसे सेव किया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लेवल वन है, ठीक है, उसके इनपुट में हमने दिया टॉगल लेवल वन, ठीक है, यानी कि हमारा जो ये लेवल वन का टैग है उसे वो टॉगल करेगा, अगर वो जीरो होगा तो उसे वन करेगा, ठीक है। ठीक, इसी तरह से लेवल थ्री पे हमें असाइन करना है, सो यहाँ पे इनपुट टॉगल एंड उसके बाद लेवल थ्री, ठीक है, यहाँ पे एल कैपिटल होगा, ठीक है, टॉगल लेवल थ्री। उसके बाद हमारा जो लेवल फाइव है यहाँ पे हमें इनपुट देना होगा, सो यहाँ पे लेवल फाइव, उसके बाद लेवल सेवन एंड उसके बाद लेवल एट, ठीक है। सो जब भी मैं इस बटन को प्रेस करूंगा मेरा जो ये लेवल वन का टैग है वो टॉगल करेगा, ठीक है, यानी कि अगर वो जीरो होगा तो वन करेगा, वन होगा तो जीरो करेगा। सेम फॉर दिस बटन, अगर मैंने इस बटन को प्रेस किया तो मेरा जो ये लेवल थ्री का टैग है वो टॉगल करेगा, अगर वन होगा तो जीरो होगा एंड जीरो होगा तो वन होगा, सेम बाकी तीन बटन्स के लिए भी। उसके बाद हमें यहाँ पे जो एलईडी इंडिकेशन है उसमें भी हमें टैग को असाइन करना होगा, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारा टैग आएगा लेवल अंडरस्कोर वन, ठीक है, अगर लेवल अंडरस्कोर वन जीरो होगा तो हमारा ये वाला एलईडी इंडिकेट होगा, एंड अगर हमारा लेवल वन का वैल्यू वन होगा तो हमारा ग्रीन एलईडी स्क्रीन पे शो करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेवल थ्री, उसके बाद यहाँ पे लेवल फाइव, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेवल सेवन एंड उसके बाद यहाँ पे लेवल एट, ठीक है। उसके बाद हमें इस पेज को सेव करना है,
आई होप हमने इस वीडियो में क्या किया वो आपको पता चला होगा, ठीक है। वो हम बाद में एक बार रिकैप कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ठीक है। सो अब इस पेज को हम सेव करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स में चले जाते हैं, सेटअप विजार्ड रन करते हैं, वो भी एक्सप्रेस मोड में। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेस सेटअप, नेक्स्ट नेक्स्ट, उसके बाद पेज वन एज इट इज, स्टैंड अलोन एंड देन फिनिश, ठीक है। उसके बाद हमें इस प्रोजेक्ट को कंपाइल करना है, ठीक है, उसके बाद रन करना है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी यूजर नेम यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हो रहा है, इट मीन्स हमने यहाँ पे लॉग इन नहीं किया है। एज वेल एज अगर मैंने इस बटन पे प्रेस किया तो भी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज हमने कोई लॉग इन नहीं किया है, अभी सिर्फ हम व्यू ओनली है, ठीक है। अगर मुझे इन सभी बटन्स को एक्सेस करना है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग मुझे लॉग इन यहाँ पे करना रहेगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लॉग इन पे प्रेस किया तो आप यहाँ पे देखो लॉग इन फॉर्म मेरा जनरेट हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरा जो यूजर है उसे मुझे लॉग इन करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूजर क्रिएट किए थे सिक्योरिटी में यूजर, ठीक है, उसमें हमारे यूजर थे, तो हमारा जो सबसे लोएस्ट यूजर था वो कौन सा था, ऑपरेटर, एंड उसका पासवर्ड क्या था, 1234, ठीक है। सो हमें यूजर है उसमें ओपी लिखना है, सो नेम हमारा था ओपी एंड हमारा पासवर्ड था 1234। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो यूजर नेम है वो केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे यूजर का जो नेम है वो कैपिटल में लिखा है एंड अगर आप यहाँ पे नेम स्मॉल एबीसीडी में लिख रहा है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने ओके पे प्रेस किया आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऑपरेटर का लॉग इन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब मेरे ऑपरेटर का लॉग इन हो चुका है, लेकिन मेरा ऑपरेटर का रोल कौन सा है, रोल वन, एंड रोल वन का एक्सेस लेवल कितना है, एक्सेस लेवल वन, ठीक है, लेवल वन तक का ही उसे एक्सेस है। तो अगर मैंने लेवल 8 वाला जो एक्सेस है उस बटन को मैंने प्रेस करने का ट्राई किया तो मेरा यहाँ पे कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगा, ठीक है। सेम इस तरह से लेवल 7, लेवल 5 एंड लेवल 3, उन सभी बटन को मैं ट्राई करता हूँ तो मेरा कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगा, बिकॉज मेरा जो ऑपरेटर है उसके पास वो एक्सेस लेवल है ही नहीं, ठीक है, वो सिर्फ लेवल 1 का जो बटन है उसे ही एक्सेस कर पाएगा, ठीक है, जो लेवल 1 है उसे ही वो ऑन ऑफ कर पाएगा, उसके अलावा कोई भी लेवल का जो बटन है उसे वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे रोल असाइन करते टाइम पे हमें प्रिविलेजेस असाइन करना रहेगा कि उस रोल को कौन सा प्रिविलेजेस हमें देना है, ठीक है। अगर आपने 1 प्रिविलेजेस दिया है तो फिर यहाँ पे जो आप प्रिविलेजेस असाइन करोगे उसमें जिसमें 1 लिखा होगा वही प्रिविलेजेस एरिया को वो एक्सेस कर पाएगा, रेस्ट ऑफ द एरिया को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लेवल 3 वाला बटन है उसमें प्रिविलेज लेवल कितना है, 3, एंड प्रिविलेज 3 जो है वो कौन एक्सेस कर सकता है, आइदर रोल 2, रोल 3 और रोल 4, आइदर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। सो रोल 1 के अलावा बाकी सब है वो जो एक्सेस लेवल 3 है उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे आपको प्रिविलेज लेवल का मीनिंग पता होना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ पे लेवल 3 लिखा है तो वो मेरा जो ऑपरेटर है वो एक्सेस नहीं कर सकता बिकॉज उसका प्रिविलेज लेवल कितना है, 1, ठीक है। उसे एक्सेस कौन कर पाएगा, मेरा जिसे मैंने रोल 2 असाइन किया होगा, रोल 3 असाइन किया होगा या फिर रोल 4 या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल असाइन किया होगा, वही इस बटन को एक्सेस कर पाएगा, किस बटन को, लेवल 3 वाले बटन को, ठीक है। अब ये जो लेवल 8 वाला बटन है उसमें मैंने प्रिविलेजेस कितना लिखा है, 8, इट मींस जिसके पास प्रिविलेज लेवल 8 होगा वही उस बटन को एक्सेस कर पाएगा, एंड वो कौन है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटर का रोल हमने किसे असाइन किया है, एमडी को। सो ये वाला जो बटन है, ठीक है, ये वाला लेवल 8 वाला बटन उसे सिर्फ हमारा एमडी ही एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। सो अभी हम देख लेते हैं हमारे रन टाइम में, ठीक है, अभी मैंने क्या किया, लॉग आउट किया, उसके बाद अगेन लॉग इन किया सुपरवाइजर का लॉग इन, ठीक है, पासवर्ड 1234 एंड देन ओके, ठीक है। सो मेरा सुपरवाइजर का लॉग इन हो गया। अब सुपरवाइजर जो है उसका रोल क्या है, 2, एंड उसके रोल के अकॉर्डिंग उसका एक्सेस लेवल कितना है, 1, 2 एंड 3, ठीक है।
सो वो कितने बटन को एक्सेस कर पाएगा, आइदर लेवल 1 वाला बटन एंड लेवल 2 वाला बटन। उसके नीचे के जो ये 3 बटन है उसे वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कोई प्रेस किया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो लेवल 3 वाला बटन है उसे वो एक्सेस कर पाएगा, एज वेल एज लेवल 1 वाले बटन को भी वो एक्सेस कर पाएगा, बिकॉज उसका प्रिविलेज एरिया कितना है, 1.3, इट मीन्स 1 से लेके 3 तक, ठीक है। सो वो लेवल 1 को भी एक्सेस कर पाएगा, लेवल 2 को भी एक्सेस कर पाएगा एंड लेवल 3 को भी एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे आपको प्रिविलेजेस डिफाइन करना है एंड वो प्रिविलेजेस आपको किसी भी बटन की प्रॉपर्टीज में एक्सेस लेवल में डिफाइन करना है कि वो कौन सा रोल होगा जो इस बटन को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। सो इसके बाद हम इंजीनियर वाला जो लॉगिन है उसे लॉगिन करते हैं। सो यहाँ पे सुपरवाइजर को लॉग आउट कर देते हैं, उसके बाद लॉगिन इंजीनियर एंड उसका पासवर्ड है 1234, उसके बाद ओके, ठीक है। सो EngineER, ठीक है, 1234, ठीक है। यहाँ पे इंजीनियर का लॉगिन हो गया। अब इंजीनियर के पास कौन सा रोल असाइन है, ठीक है, इंजीनियर के पास है रोल नंबर 3 एंड रोल 3 है उसका प्रिविलेज एक्सेस कितना है, 1 से लेके 5 तक, यानी कि वो 1, 3 एंड 5 इन 3 बटन को एक्सेस कर सकता है, लेकिन वो लेवल 7 एंड लेवल 8 वाले बटन को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैंने इसे प्रेस किया तो ये मेरा एलईडी ऑन ऑफ नहीं होगा, अगेन मैंने इसे प्रेस किया तो ये मेरा एलईडी ऑन ऑफ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैंने लेवल 5 वाला बटन प्रेस किया मेरा इंजीनियर उसे एक्सेस कर सकता है। सो दैट्स व्हाई ये वाला जो एलईडी है वो ग्रीन हो गया, ठीक है। अगेन लेवल 3 को भी वो एक्सेस कर सकता है एंड लेवल 1 को भी वो एक्सेस कर सकता है, बिकॉज हमने यहाँ पे रोल 3 क्या असाइन किया था, 1.5, ठीक है, 1 से लेके 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5, इन सभी प्रिविलेजेस को वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो ये इसका फॉर्मेट है, अगर आपने 1.5 लिखा तो यानी कि इसका मीनिंग है वो 1 से लेके 5 तक के प्रिविलेजेस एरिया है उसे वो एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो लेवल 1, लेवल 3 एंड लेवल 5 एंड इसके बीच के जो लेवल है उसे भी वो एक्सेस कर पाएगा हमारा इंजीनियर, ठीक है। अब हम इंजीनियर वाला जो अकाउंट है उसे लॉग आउट करते हैं, उसके बाद हम मैनेजर से लॉग इन करते हैं, ठीक है, मैनेजर एंड उसका भी अगेन पासवर्ड है 1234, ठीक है। सो हमारा मैनेजर है उसका लॉग इन हो गया, ठीक है। अब मेरा जो मैनेजर है उसका रोल कौन सा था, रोल 4 एंड रोल 4 में हमने कितने प्रिविलेजेस असाइन किए थे, 1, 2, 7, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, जिस जिस बटन में ये प्रिविलेजेस एरिया होंगे जिसमें 1 से लेके 7 तक के नंबर आ गए उन सभी को वो एक्सेस कर पाएगा, यानी कि लेवल 1, लेवल 3, 5 एंड 7 इन सभी बटन को मेरा मैनेजर एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। सिर्फ ये जो लेवल 8 वाला बटन है जो कि हमने एमडी को सिर्फ असाइन किया है उसे वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, अदरवाइज लेवल 7, 5, 3, 2, 1, 4, 6 उन सभी लेवल्स को वो एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप मैनेजर को इतने सारे प्रिविलेजेस असाइन करके उसे आप एक्सेस दे सकते हैं। उसके बाद है हमारा एमडी, ठीक है। सो मेरा एमडी एंड मेरा पासवर्ड है 1, 2, 3, 4, उसके बाद ओके, ठीक है। जो हमारा एमडी है उसका रोल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर का रोल एंड उसके बाद कौन से प्रिविलेजेस अवेलेबल है, एवरीथिंग, ठीक है, वो सिस्टम में कुछ भी कर सकता है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम 8 पे ट्राई करते हैं। हाँ, मेरा एमडी का लॉगिन है, मेरा लेवल 8 एक्सेस हो चुका है, इट मीन्स मेरे सभी जो लोअर लेवल है वो मैं एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है। सो इस तरह से आप यहाँ पे यूजर क्रिएट कर सकते हैं, उनके रोल असाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने सबसे पहले तो क्या किया, यहाँ पे रोल बनाए कि हमारे पास टोटल 5 टाइप के रोल है, पहला है एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन है रोल 1, रोल 2, रोल 3 एंड रोल 4 एंड उन सभी के डिफरेंट डिफरेंट प्रिविलेजेस, ठीक है, यानी कि हमें किस रोल को कितना एक्सेस देना है, ठीक है। उसके बाद हमने यूजर क्रिएट किए, उसके पासवर्ड क्रिएट किए एंड उसके बाद हमने उस यूजर को रोल असाइन कर दिए कि इस यूजर के पास इतने प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। सो वो यहाँ पे हो गया एंड उसके बाद जैसे ही हम इस यूजर से हमारे रन टाइम में लॉग इन करेंगे उसका एक्सेस, उस चीजों का एक्सेस, उस एरिया का एक्सेस हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इस रन टाइम को क्लोज करते हैं, ठीक है।
उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो रोल 4 है वो 1 से लेके 7 तक सभी चीजों को एक्सेस कर पाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं रखना है। मुझे सिर्फ रखना है कि मेरा जो रोल 7 है वो सिर्फ मेरा 7 नंबर का प्रिविलेजिस है, उसे ही एक्सेस कर पाना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने उसे 1 से लेके 7 तक का एक्सेस दे दिया, ठीक है, रोल 4 किसका था? मेरे मैनेजर का। ठीक है, मैंने मैनेजर का रखा था रोल 4, लेकिन मैनेजर को क्या पता ये फील्ड पे क्या चल रहा है? फील्ड पे तो ऑपरेटर को ही पता होगा कि ऑपरेटर वहां पे है फील्ड पे, तो उसे पता होगा कि मेरा सिचुएशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा। लेकिन मेरे मैनेजर को पता नहीं होगा कि फील्ड पे सिचुएशन क्या है, तो मेरा मैनेजर उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो उसे मैंने सिर्फ प्रिविलेज एरिया कौन सा दिया? 7, वो सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा, अदर एरियाज को वो इंटरफियर नहीं करेगा। सेम मेरा जो इंजीनियर है उसे मैंने प्रिविलेज लेवल 5 दिया, एंड जो मेरा सुपरवाइजर है उसे प्रिविलेज लेवल 3 दिया। इट मींस वो लोग सिर्फ उनके पर्सनल प्रिविलेजेस एरियाज जो है उसे ही एक्सेस कर पाएंगे, दूसरों के एरिया में वो इंटरफियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो इसे मैंने सेव किया। ठीक है, एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अब मेरा जो मैनेजर है वो सिर्फ यहाँ पे जो उसका जो बटन है लेवल 7 उसे ही वो एक्सेस कर पाएगा। लेवल 5, 3, 2, लेवल 4 एंड 1 उन सभी को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। हाँ, सिर्फ मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सभी को एक्सेस कर पाएगा, लेकिन ये जो लेवल 7 है जो कि मेरे मैनेजर का था वो सिर्फ इसी लेवल 7 के बटन को ही एक्सेस कर पाएगा। मेरा इंजीनियर है तो वो सिर्फ लेवल 5 को ही एक्सेस कर पाएगा, वो लेवल 3, 2 एंड 1 को एक्सेस नहीं कर पाएगा। एंड जो मेरा सुपरवाइजर था वो सिर्फ लेवल 3 वाला जो ऑप्शन है उसे ही एक्सेस कर पाएगा, वो लेवल 1 को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हमने यहाँ पे जो रोल है उनके प्रिविलेजेस असाइन कर दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगेन इस प्रोजेक्ट को पैक करना है, कंपाइल करना है एंड रन करना है। ठीक है, अभी हमारा एक भी यूजर यहाँ पे लॉगिन नहीं है। ठीक है, सो अब हम मैनेजर से लॉगिन स्टार्ट करते हैं। मैनेजर एंड उसका पासवर्ड है 1234। ठीक है, अब मैनेजर का एक्सेस लेवल कौन सा था? ठीक है, मैनेजर को हमने रोल 4 असाइन किया था, एंड रोल 4 के पास सिर्फ प्रिविलेज लेवल 7 का ही एक्सेस था। ठीक है, यानी कि अगर मैं लेवल 5 के बटन को प्रेस करना चाहूँ मैनेजर के लॉगिन से तो वो मैं नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास सिर्फ लेवल 7 का एक्सेस है। सो अगर मैंने लेवल 7 के बटन को ही प्रेस किया तो ही वो एक्सेस होगा। ठीक है, बाकी सारे जो लेवल है वो मैनेजर एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेम फॉर इंजीनियर। ठीक है, उसका पासवर्ड है 1234। ठीक है, अब ये मेरा इंजीनियर है। ठीक है, उसका लेवल कौन सा था, उसका रोल कौन सा था? रोल नंबर 3, एंड उसका प्रिविलेज लेवल कौन सा था? 5। ठीक है, सो ना ही 3 को एक्सेस कर पाएगा, ना ही 1 को एक्सेस कर पाएगा, ना ही 2 को, ना ही 4 को। ठीक है, वो सिर्फ 5 को ही एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, सो अगर मैंने 3 को एक्सेस करने का ट्राई किया नहीं होगा, 7 को एक्सेस करने का ट्राई किया नहीं होगा, सिर्फ ये जो मेरा 5 है वो ही मुझसे एक्सेस होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिविलेज लेवल हटा दिया उसका। ठीक है, हमने सिर्फ फिक्स प्रिविलेज लेवल रखा कि वो सिर्फ 5 को ही एक्सेस कर पाना चाहिए। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4 जो लेवल ऑफ एक्सेस है वो उसके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, वो दूसरों के एक्सेस एरिया में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसे भी मैंने लॉग आउट कर दिया। उसके बाद मैंने MD से लॉग इन किया, पासवर्ड है 1234। ठीक है, अब MD का जो हमारा रोल था वो क्या था? एडमिनिस्ट्रेटर, एंड उसके हमने प्रिविलेज क्या रखे थे? 1 to 8, यानी कि वो सभी को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर लेवल 8 वाला उसने ऑन किया है एंड उसके बाद उसने लॉग आउट कर दिया, ठीक है, तो फिर लॉग आउट करने के बाद उसे कोई एडिट नहीं कर पाएगा। उसके बाद अगर मैंने इंजीनियर से लॉग इन किया तो भी मैं लेवल 1 वाला जो एक्सेस है उसे एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। मैं अगर फुल इमरजेंसी है तो भी मैं इस बटन को क्लिक नहीं कर सकता, एज वेल एज दिस बटन को भी क्लिक नहीं कर सकता। अगर मुझे लेवल 1 वाला जो बटन है उसे ऑफ करना है, ठीक है, उसे टॉगल करना है, तो मुझे सिर्फ
ऑपरेटर वाला जो लॉगिन है उससे लॉगिन करके ही मैं उसे ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। एंड जो ये मेरा लेवल 8 है, अगर उस वाले एलईडी को मुझे ऑफ करना है सो मुझे नेसेसरी एमडी से लॉगिन करना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद ही मैं इसे ऑन या फिर ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने एक बार लॉग आउट कर दिया उसके बाद आप किसी भी बटन को एक्सेस नहीं कर पाओगे जब तक आप अगेन लॉग इन नहीं करते। उसके बाद हमारा सुपरवाइजर है, उसका पासवर्ड है 1234, एंड सुपरवाइजर है उसका एक्सेस क्या था, रोल 2, एंड रोल 2 में हमने कौन सा प्रिविलेज असाइन किया था, 3। सो ये जो लेवल 3 वाला बटन है वही वो एक्सेस कर पाएगा, लेवल 1, लेवल 5, 7, 8 वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो सिर्फ लेवल 3 को ही एक्सेस कर सकता है। अगर उसने इसे ऑन करके छोड़ दिया एंड उसने लॉग आउट कर दिया तो फिर मेरा जो इंजीनियर है वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो मेरा इंजीनियर इसे ऑन ऑफ नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ इसे ऑन ऑफ कर पाएगा, ना कि लेवल 3 वाले प्रिविलेज एरिया को, ठीक है। इसे ऑन ऑफ करने के लिए आइदर एमडी से लॉग इन करना होगा, आइदर सुपरवाइजर के अकाउंट से लॉग इन करना रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से आप सिक्योरिटी का यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि सिक्योरिटी आपके साइटेक्स स्काडा में असाइन कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जाना है सिक्योरिटीज में, उसके बाद आपको यहाँ पे रोल असाइन करने हैं, रोल बनाने हैं कि आपके आपकी प्लांट में कितने कितने रोल अवेलेबल रहेंगे एंड उनके एरिया कहाँ कहाँ पे होंगे, एक्सेस एरिया कौन कौन सा होगा, ठीक है। एक्सेस एरिया मीन्स प्रिविलेजेस एरिया, ठीक है। उसे आपको डिफाइन करना होगा कि मेरा रोल 1 है तो उसका प्रिविलेज एरिया है 1, रोल 2 है उसका प्रिविलेज एरिया है 3, ठीक है। इस तरह से आपको अपने सभी रोल का प्रिविलेज एरिया डिफाइन करना है। एंड अगर मुझे इस रोल 4 को 5 से लेकर 7 तक का एक्सेस देना है तो मैं इसे इस तरह से एक्सेस दे सकता हूँ, ठीक है। एंड मुझे सिर्फ अगर 7 का ही एक्सेस देना है, प्रिविलेज एरिया 7 का, तो मैं इसे सिर्फ 7 लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो वो सिर्फ प्रिविलेज एरिया 7 है उसे ही एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। एंड प्रिविलेज एरिया जो है उसे आपको अपने ग्राफिक्स में कहाँ पे एडिट करना है, ठीक है। सो ये जो बटन है या फिर कहीं पर कोई सिंबल है उसकी एक्सेस प्रॉपर्टी में जाना है, उसके बाद यहाँ पे अगर ये टिक है नो प्रिविलेज रिस्ट्रिक्शन तो उसे आपको डिसलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे आपको उसका प्रिविलेज लेवल सेट करना है, ठीक है। सो इस तरह से आप अपने सिस्टम में लॉग इन एंड लॉग आउट का बटन रख सकते हैं, उसके बाद आपका कौन सा यूजर अभी लॉग इन है उसे भी आप अपने डिस्प्ले पे शो कर सकते हैं, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट यूजर के रोल असाइन कर सकते हैं यहाँ पे साइटेक स्टूडियो में, उस रोल के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारे यहाँ हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूजर बनाए, ठीक है, उसके हमने रोल यहाँ पे असाइन कर दिए कि उनका रोल कौन सा है, एंड उस रोल के अकॉर्डिंग उसके प्रिविलेजेस एरिया कौन कौन से है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग ही वो उन सभी चीजों को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। वो अगर उसका एक्सेस एरिया नहीं है तो फिर वो उन चीजों को एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो उन बटन्स को प्रेस नहीं कर पाएगा, वो उस डेटा को रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप सिक्योरिटी फंक्शन का यूज कर सकते हैं अपने प्लांट को मोर सिक्योर करने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं यहाँ पे पासवर्ड भूल गया, ठीक है। तो अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फिर आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे एमडी का पासवर्ड भूल गए तो आपको सिर्फ इस रो को डिलीट करना है, इसे सेव करना है, उसके बाद अगेन एमडी का यूजर क्रिएट कर लेना है, ठीक है। एंड देन उसका पासवर्ड यहाँ पे सेट कर देना है 1234, 1234, एंड देन एंटर, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे रोल असाइन कर देना है, एंड देन सेव, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड का यहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से आपको यहाँ पे रोल एंड यूजर क्रिएट करना है अपने सिक्योरिटी पैनल में, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि साइटेक्स स्काडा में लॉग इन एंड लॉग आउट बटन कैसे रखते हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी कैसे क्रिएट करते हैं अपने साइटेक्स स्काडा में, रोल कैसे क्रिएट करते हैं, उनके प्रिविलेजेस एरिया कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, एंड
उन यूजर को रोल असाइन कैसे करते हैं एंड उन रोल के अकॉर्डिंग उसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज का एक्सेस कैसे देते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे दिया लेवल 8 उसका एक्सेस एंड प्रिविलेज लेवल 8। ठीक है, सो इस तरह से आप उन सभी बटन्स को डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को, ठीक है, अगर आपको किसी पेज पे भी अपना सिक्योरिटी ऐड करना है कि सिर्फ मेरा वो पेज मेरा एमडी ही देखना चाहिए और कोई मेरा वो पेज नहीं देख पाना चाहिए, वो मेरा पेज है वो सिर्फ मैनेजर को ही एक्सेस होना चाहिए, सिर्फ मेरा मैनेजर ही उस पेज को एक्सेस कर लेना चाहिए। ठीक है, सो उस तरह से आपको ऐसा कोई चीज डिजाइन करना है साइटेक्स काडा में तो आप सिक्योरिटी का यूज करके उसे कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस वीडियो में या फिर आपको कहीं पे समझ नहीं आया तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एज वेल एज हमें ईमेल आईडी पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड